तो दोस्तों, अब तो भारतीय रेलवे की तरफ से काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दरअसल अभी जो हमारा अपकमिंग बजट होगा, वहाँ पर 29% ज्यादा बजट दिया जाएगा। पहले था 1.4 लाख करोड़, लेकिन 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में अब ये हो जाएगा लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपीस। इसके बाद काफी लोगों को क्वेश्चन आएगा कि इतने पैसे हम खर्च का करेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि रेलवे के यहाँ पर तो पूरे लाइन से प्रोजेक्ट लगे रखे हैं, मेगा प्रोजेक्ट सारे के सारे। सबसे पहले तो मॉडर्न ट्रेन्स, वंदे भारत, तेजस, हम सफर, इन सब का रैपिड प्रोडक्शन शुरू करना है तेजी से। फिर रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर कवच सिस्टम भी डिप्लॉय करना है, स्पेशली हमारी जो मेजर रूट्स है वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी सपना है कि अगले 8 साल में रेलवे का पूरा कायाकल्प कर देंगे, एक न्यू मॉडर्न जर्नी हम हर एक आदमी को प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट भी कर रही है रेलवे इंडस्ट्री में। स्टार्टअप्स को भी आप देख लो, काफी इनोवेटिव आइडियाज लाकर दे रहे हैं रेलवे को। कोलैबोरेशन के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। इसके बाद रेलवे ने यह भी बताया कि 50,000 वैगन्स का एक काफी भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट भी अब फ्लोट होने वाला है 2027-28 में, जिसकी कुल वैल्यू होगी 25,000 करोड़ रुपीस की। इससे रेलवे सबसे बड़ा एम ये कर रही है कि अभी जो बस 27% का कॉन्ट्रीब्यूशन है टू कार्गो मार्केट, ये बढ़कर 2030 में ही, जी हाँ, इस दशक में ही 50% से ज्यादा हो जाए। वंदे भारत के फ्रेट वर्जन भी यहाँ पर लाने, सो दैट जो भी ई कॉमर्स जाइंट है वो रेलवे सर्विस को यूज कर सकती है अपने पार्सल को एक दिन में ही पहुँचाने के लिए, रादर देन रोड या फिर एयरवेज। इसके अलावा अब एक और सबसे बड़ा यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला ये भी है कि 1,00,000 किलोमीटर के नए रेलवे लाइन्स भी बिछाए जाएंगे। हालांकि ये काफी बड़ा प्लान है, पूरा 25 साल का ये प्रोजेक्ट है। फिर इसके अलावा वंदे भारत का अलग अलग वर्जन, हाइड्रोजन वर्जन, फिर स्लीपर वर्जन, मेट्रो वर्जन, इन तमाम पर भी काम करना है। वहीं रेलवे का प्रोजेक्शन देखें तो ये लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,40,000 करोड़ रुपीज की अर्निंग करेंगे, जो कि 19% ज्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। सो ओवरऑल इन सब मेगा प्रोजेक्ट से तो ऑफकोर्स यही लगता है कि ये जो दशक है रेलवे के लिए एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा, और साथ ही में इन सब में से आपका कौन सा फेवरेट मेगा प्रोजेक्ट है लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।